जिस तरह मैं बढ़ता जाऊंगा आगे काम में, उसी तरह चीज़ें और खुलती जाएंगी। हमने अभी पैकिंग करना शुरू कर दिए और अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तमाम भाइयों बहनों को खुशामदीद कहते हैं। आज संडे का दिन है, बहुत ही सैड, बहुत ही फन डे नहीं हो सकता क्योंकि मेरी तबीयत डाउन हो गई और कल रात का हमारा मूवी प्लान कैंसिल हो गया, जो कि हमारा था, जो कि हमने सोचा था कि मूवी प्लान था साउथ के पास जाके मूवी देखेंगे। खैर भंड हो गया क्योंकि मुझे फील हो गया था कल परसों रात ही सो के, कि सुबह जब मैं उठा तो मुझे नजला हो रहा था। जब मैं गया वहाँ पर धूल मिट्टी और गर्म धूप की वजह से तबीयत भाई और बिगड़ गई और मैं सिर्फ नाश्ता करके निकला था। तो जी अभी सीन ऐसा है कि रात में पैनाडोल खाई, सीरप पी, अल्लाह करेगा ठीक हो जाऊंगा तो शायद आज जाएंगे हम। तो अपडेट ये है कि अभी सुबह सुबह उठे हैं और मैंने बोला चलो नाश्ता करते हैं, क्योंकि मैं कुछ खाया था रात को और भूख शदीद लगी है मेडिसिन की वजह से। तो जी मैं जा रहा था नाश्ता करने, तो ये भी सुबह सुबह फजर में माशाल्लाह मेरे साथ उठ गई और ये अब साथ जा रही नाश्ता करने के लिए। चले आज जी घर से गई थी बाहर और जो है ना सब्जी वब्जी लेकर आई है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आज यहाँ पर देखें सुबह सुबह का टाइम है और कोई भी नहीं है गली में, सब सो रहे हैं और मुझे लगता है सिर्फ हम दोनों ही जाग रहे हैं। जी चलें जी, अभी हम चलते हैं नाश्ता करते हैं और जल्द से घर आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह ना यहाँ बाहर कोई नहीं है, मुझे थोड़ा सा ना डर लग रहा है। अभी चलते हैं हम। हाँ आज आप तो हैं, कल तो मैं अकेली थी। यहाँ पर देखें हमारा मज़ेदार सा नाश्ता आ गया। मेरा तो छोला है, इनका छोले के साथ पराठा खाऊंगी और इनका जो है हाफ फ्राई, और अभी चाय भी आने ही वाली है। आमलेट है। अच्छा आमलेट है, चले सही। आपको बोला लेट, वो आके लेट गया। तो ये अभी नमक मिर्च डाल रहे हैं, उनकी चाय भी आने वाली है, तो अभी नाश्ता करते हैं और फिर घर जाके ना आराम से सो जाएंगे। आज बादल तो टाइट बने हैं, हो सकता है पॉसिबल है कि बारिश हो, और हमने अभी नाश्ता कर लिया, अभी चलते हैं घर और कुछ मेडिसिन लेते हैं और आराम करते हैं, अल्लाह करे बेहतर हो जाए तबीयत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइस अभी मेरे हस्बैंड की तबीयत कुछ बेहतर है और यहाँ पे देखिए रेडी भी हो गए। कहाँ जा रहे हैं? बस कुछ कुछ वीकनेस होती है ना, वीकनेस हो रही है, बस अभी चलते हैं साउथ वाले, कल से बेचारा वेट करे, कल साउथ भी आ गया भागते हैं कि भाई। हाँ वो रात को पूछने आ गए थे बेचारे, अकेला आ गया भाई, सामान नहीं निकला था, बोले चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने नहीं बेहतर है, मेडिसिन मैंने खुद ली, अपना इलाज खुद किया, अलहमदिल्ला बेहतर खाई, कोई ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा एफिशिएंसी से नहीं खाई, खाई वही है मैंने सॉफ्टन खाई है जो अक्सर डॉक्टर दे देते हैं, और उससे मैं काफ़ी बेहतर भी हो गया, मेरी जलन भी खत्म हो गई है। हाइड्रोलिन सीरप भी है जो कि खांसी के लिए, जो खांसी जो अभी बिल्कुल भी नहीं है, पैनाडोल लिए फीवर के लिए, रिजिक्स लिए मुझे बस अभी बिल्कुल आप सेट है। रिजिक्स ले रहा था मुझे जुकाम होते जो रहा था, तो ये चार टैबलेट्स चारों मैंने इफेक्टिव लिए और बेहतर हो गया, लेकिन मेरी बात से भी लग रहा है कि मैं बेहतर हो गया, बस थोड़ी सी जिस्म में वीकनेस हो रही है। चले अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो गया, अभी हम जा रहे हैं अरुषा बाजी के घर, उन्होंने बुलाए क्योंकि इनकी तबीयत सही नहीं थी, तो वो रात को सऊद भाई आ गए थे, तो अभी हम जा रहे हैं उनके घर और सफाई सब कुछ मैंने कर लिए। तो जब अभी कॉल पर बात हुई थी अरुषा और सऊद से, तो वो कह रहे थे आते हुए जी आज कीमा बनाया है तो कुछ नान गरम गरम पकड़ लीजिएगा, तो यहाँ से मैं गरम गरम नान बना रहा हूँ, यहाँ के नान थोड़े से अच्छे होते हैं और थोड़े से हेल्दी होते हैं, तो अब यहाँ से नान बनाने का ऑर्डर दिया मैंने, तो जैसे ही बनते थे फिर चलते हैं, और रास्ते से मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक भी पकड़नी थी, कोल्ड ड्रिंक तो मैं पकड़ चुका हूँ, फ़िलहाल अभी नान बन रहे हैं, तकरीबन 5-10 मिनट लेंगे और फिर चलते हैं उनके घर की तरफ, और वो मेरा वेट कर रहे हैं। अभी लाइट गई थी, उन्होंने कहा थोड़ा लाइट आ जाए तो मैसेज करते, तो लाइट आ गई है, अभी हम जा रहे हैं उधर। अस्सलाम वालेकुम, बोला कैसे हो अभी? आप ठीक हो? अच्छा जी अभी सऊद अली में खाले अंदर हैं और बच्चे ने दरवाज़ा खोला, बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा ये खुलता है, लेकिन हिम्मत ऐसे खोल दिया। कैसे हो? ठीक हो तो भाई, ठीक है क्लास अलहमद। मैंने डराना था एक्चुअली, लेकिन कैसे?
तो गाइज यहाँ पर जो है ना हम लोग का खाना लग चुके हैं अभी। आज जो है ना मसाला स्पेशली जो है ना कीमा बनाए, साथ में मज़े मज़े की रायता बनाए और देखें अंगूर भी रखे हुए मेरे फेवरेट। और अभी हम सब बैठ के साथ खाना खा लेंगे। और अब्दुल्ला यहाँ पर जो है ना अपने कार्टूनों से बाज ही नहीं आ रहा है। अब्दुल्ला आओ खाना खा लो, आ जाओ भाई बैठो, तुम भी बैठो दावत में। चले स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, इससे पहले ठंडा हो जाए। ज़बरदस्त लग रहा है कीमा। तो गाइस हम दो जो है ना मेहमान या गेस्ट बैठे हैं, तो अब अभी भी बैठे उठ के चला गया देखो। तो मेरे लिए जो है ना शेक लाए भाई दोनों, अब बाप बेटे। अब्दुल्ला शेक दो मुझे, शेक दे अब्दुल्ला, हैंड शेक कर रहे हैं भाई, उठा के दे। थैंक यू थैंक यू अब्दुल्ला। दिल्ली कॉलोनी में आए थे साउथ के साथ, क्योंकि अब्दुल्ला की जो ना कुछ किताबें जो है ना बाइंडिंग के लिए दी हुई थी, प्लास्टिक बाइंडिंग के लिए। अच्छा ये खुद स्टेपलर से स्क्रीन लगाया, बच्चे खोल लेते ना इसलिए ये करानी पड़ी। तो ये बाइंडिंग तो उसके लिए हमने अब्दुल्ला की माशाल्लाह स्कूल की बुक्स हैं और कॉपियाँ हैं जो कि बाइंडिंग हुई थी, देखिए कितना खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। अभी हम निकलने लगे हैं, थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो गई है और अभी थोड़ा सा गप्पे शप्पे लगाई, बड़ी काफ़ी कोई इंटरेस्टिंग गप्पे चल रही थी हमारी, पर इस बंदे के साथ बहुत बुरी, मैं नहीं बताऊँगा। चले फिर लगाते हैं चक्कर इंशाल्लाह आप भी, ठीक है। तो अभी आप आराम करें, सुबह स्कूल और ऑफिस होंगे। तो आज ये पेपर दिखा रही थी अलूसा, मैं दिखाएं ये इनकी जो है ना माशाल्लाह से ये इनकी डिग्री है। और ये क्या किया था आपने? मैंने एमकॉम किया था। तो भाई इनके मार्क्स देख के आप बता सकते हैं कि कितनी अच्छी एजुकेटेड ये लड़की थी। और इन्होंने बस एमफिल रह गया इनका, एमफिल रह गया, बस इनशाला इनके लिए भी दुआएं के अलावा इनको इनकी आसानियां फरमाए और ये जो है इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे। थोड़ा सा रह गया डॉक्टर बनने में, थोड़ा सा इंशाल्लाह। चले जी अभी हमें दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। बहुत अच्छा था खाना, कीमा बहुत जबरदस्त बनाया था आपने, ओके जी। जो अभी मास्क चास्क पहन के जाना, हाँ आजकल वायरस भी फैल रहा है आपने बताया, तो एहतियात करना जरूरी है सबके लिए और आप फैमिली के लिए भी। एक है कि मास्क पहनिए और बहुत खतरनाक किस्म का वायरस आया हुआ है, क्या नाम है उसका? मंकी पॉक्स आया हुआ है। और इसके सिम्टम्स जो है ना, मतलब ये है फीवर और वही जो सेम एज इट इज कोविड के टाइम पे जैसे थोड़े से सिमिलर है, लेकिन अवॉइड ही करो। तो बेहतर ये है कि जब आप जाते हैं बाजारों में थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, वो आपके हाथ में जैसे मास्क पहन लिया और थोड़ा सा डिस्टेंस बरकरार, थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा डिस्टेंस कर लिया, इससे एहतियात भी है और ये फायदेमंद भी है। एक दूसरे की यार हेल्थ का हमने ही ख्याल रखना है ना, बिल्कुल तो अवॉइड करना बेहतर है। तो ये हमें दो मास्क दे दिए गए, हम ये आज से पहना करेंगे और तहयात पहनेंगे इंशाल्लाह। नहीं मेरे मास्क का पूरा पैकेट दिया है चले जी, फिर अपना ख्याल रखिए, फिर इंशाल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम। सेलफोन ये रहा और मेरा सिस्टम पड़ा था, मैं इस पर कुछ काम कर रहा था, काम करते करते। अच्छा जी मैं बता चाहूँगा कि ये जो है ना सेटअप मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, ये अगर हम देखने में डाला हुआ है गड़बड़ डाली हुई है, पर ये सारा सेटअप साइड पर करके रखता हूँ, जब यूज़ कर लेता हूँ उसके बाद फिर से ऐसा करके रखता हूँ, क्योंकि जब तक मैं टेबल नहीं बना लेता तब तक ये सेटअप मैंने नहीं रखा हुआ। टेबल मैंने बनानी है इंशाल्लाह तला, अभी मेरा कारपेंटर जो फ्री हो जाएगा उसको लेकर आऊँगा, उसको बताऊँगा भाई इस तरह का आइडिया है जो मैंने टेबल बनानी है। जो आपको बताना चाहूँगा कि वो टेबल्स जो है मैं डिज़ाइन देखे हैं काफ़ी वेबसाइट्स पे जाके, तो उसी तरह की मैंने बनानी है कुछ। खैर एनीवे इसको सबको यहीं ख़त्म कर दे, तो बताना चाहूँगा मैंने जो कुछ चीज़ें एडिट की हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आते हैं देखें, ये सारा मेरा काम है ठीक है। और ये देखें, ये मैंने जस्ट नाउ एडिट किया ठीक है, जस्ट नाउ अभी एडिट किया ये 15-20 मिनट में। अच्छा इसके अंदर म्यूज़िक लगा, आपको बताऊँगा किस तरह का म्यूज़िक लगा मैं, तो खैर वो मोबाइल में चला के दिखाना पड़ेगा। उसके साथ साथ बताना चाहूँगा और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने एडिट की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए मैंने एडिट किया है, ये मैंने खुद एडिट किया बैठ के। और बाकी मज़ीद दिखाऊँ, ये देखें ये मैंने इस तरह का कुछ काम किया है, ये जी इस तरह की कुछ चीज़ें मैं एडिट करता रहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये भी एडिट किया, देखें ये एडिट किया ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं एडिट कर रहा था। मज़ीद दिखाना चाहूँगा, ये देखें मैंने एडिट किया था ये, और कल जब मैंने एडिट किया था वो आपको देख चुके हैं मेरी पोस्ट पे, ये मैंने कल एडिट किया था, ऐसी 10-15 मिनट में एडिट किया था, मैंने ये पोस्ट डाली थी
कैनवा पे। एनीवे तो एनीवे मैंने दिखाने का मकसद ये मैं इस पर किस तरह का वर्क करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आते हैं अरिशबा के पास, मैंने चीज़ भेजी थी और शायद वो डाउनलोड हो रही है, अभी डाउनलोड करते फिर चला दिखाते हैं। देखिए जी ये जी इस तरह का है, प्ले नहीं हो रहा, डाउनलोड हो रहा है शायद, तुम डाउनलोड ही हो रहा है, हो चुका है। मतलब छोटा सा बैकग्राउंड म्यूजिक छोटा सा एडिशन किया मैंने, इससे काफ़ी सारी चीज़ें और भी मैं एडिट कर सकता हूँ। बहरहाल फिलहाल की अपडेट ये है कि मैं यही काम कर रहा हूँ आजकल, इस पर ही वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत सेटिंग कर रहा हूँ। और मसाल के तौर पर पीडीएफ पे आप प्रोफेशनल सीवी कैसे बनाते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे ग्रुप करते जाएंगे आप देखते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो यही बताना है मकसद है कि मैं छोटी छोटी एडिटिंग ऐसी रात में कर रहा हूँ, फारिग टाइम में जब नींद नहीं आती तो मैं यही एडिटिंग कर रहा होता हूँ और चीज़ें देख रहा होता हूँ, ये मैंने खुद से किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छोटी सी शेयरिंग थी, तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि मैं इस पे ही थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ और दिखा भी चुका हूँ। ये ऐसा है कि इसमें आप जितना घुसते जाएंगे उतनी चीज़ें अपडेट होती जाएंगी, उतनी चीज़ें निकलती जाएंगी। अब PDF है इस तरह की, बहुत सारी चीज़ें उस पर भी मैंने वर्क करना है, तो PDF पे भी वर्क कर रहा हूँ। 3D सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी अपडेट करते हैं इंशाल्लाह, ऐसा ऐसा उसको भी देखते हैं। तो जिस तरह मैं बढ़ता जाऊंगा आगे काम में उसी तरह चीज़ें और खुलती जाएंगी। एनीवे हमने अभी पैकिंग करना शुरू कर दी है, और पैकिंग कहाँ की करी है, क्यों करें, किस लिए करें, ये आपको थोड़े दिनों में ही पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, और जाना ज़रूरी है। तो बस यही छोटी सी आपकी साथ हमने शेयर करता है YT फैमिली के साथ और अम्मी अब्बू को सबको पता है। उम्मीद करते हैं छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना फैमिली वालों का ख्याल रखिए, दो मजा थे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।